लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा। प्रदेश की 11 सीटों में से 10 सीटों में भाजपा को जीत मिली। वहीं मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के सांसदों को केंद्रीय मंत्रालय मिलने की चर्चा तेज हो गई है। यहां से किसे मौका मिलेगा, इस पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी जीत के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के नव निर्वाचित सांसदों और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिल्ली बुलाया है। सीएम साय सभी सांसद के साथ आज दिल्ली जाएंगे। इस पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। संसदीय दल की बैठक है, उसमें आज हम सब एक साथ जाएंगे। तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण है और उससे पहले कल एक बैठक है, उसमें सारे सांसद देशभर के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी राज्यों के भाजपा शासित जो है वो सब पहुंचने वाले हैं। तो एक कल की बैठक है और परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, इसी के लिए हम सब दिल्ली जा रहे हैं। अभी तो हम लोग अब खूब मेहनत करना फिर शुरू करेंगे, तो उनको अगले चुनाव के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी मेहनत आज से ही शुरू हो जाएगी, आज से ही जनता का सेवा शुरू हो जाएगा, आज से ही नए सिरे से काम शुरू कर ले रहे हैं और इस तरह से वो सरकार बनाने का तो ख्वाब अभी नहीं देखना चाहिए उनको।